नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखने वाले जयप्रकाश पावर यानी जेपी पावर के बारे में। उसका प्राइस लगभग 10 रुपये के आसपास है और इसको पेनी स्टॉक में गिना जाता है। इसका मार्केट कैप लगभग 6,000 करोड़ के आसपास है। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे ऐसा क्या हुआ लगभग स्टॉक है 2.5% से गिरा, और उसके फंडामेंटल्स भी क्विकली चेक करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आ गए मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल जो कंपनी का डेटा दिया है 2019 का है, 2020 का है, 2021 का है, मतलब ईयर टू ईयर है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है कंपनी को। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3,800 आया था मार्च 2019 में, उसके बाद 2020 में आया 3,300 करोड़, और उसके बाद 2021 में आया 3,400 करोड़। मतलब कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे गिरता है, वापस से ऊपर जाता है, मतलब स्टेबल नहीं है अभी तक। तो ये तो हो गया टोटल रेवेन्यू। खर्चे भी देखना उतना ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कंपनी का खर्चा बढ़ रहा है और प्रॉफिट कम हो रहा है। ऐसा होगा कि कंपनी कोई एम्प्लॉय को 1,000 सैलरी है और उसके खर्चे हैं 2,000, मतलब इन शॉर्ट जो एम्प्लॉय लॉस में है क्योंकि उसका जो खर्चा बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी का भी सेम फैक्टर रहता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टोटल एक्सपेंसेस दिया है, तो 2019 में 4,400 करोड़ हुआ था, उसके बाद 2020 में 3,500 करोड़, उसके बाद 2021 में हुआ 3,200 करोड़। मतलब कंपनी जो है अपना खर्चा तो कम कर रही है, यहाँ पे ऐसा दिख रहा है अपने। एक अच्छा साइन होता है अगर कोई कंपनी का अपना खर्चा दिन ब दिन कम कर रही है। यहाँ पे लास्ट में अपने को देखना पड़ेगा कि कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू है उसमें से कंपनी के एक्सपेंसेस खर्चे माइनस किए तो कंपनी के पास कितना बच रहा है, गवर्नमेंट को टैक्स देने के बाद कितना नेट प्रॉफिट बच रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट रहता है। अगर नेट प्रॉफिट अच्छा है तभी कंपनी अच्छी ग्रोथ कर सकती है फ्यूचर में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे है प्रॉफिट लॉस फॉर द पीरियड। मतलब 2019 में कंपनी को लॉस हुआ था 377 करोड़ का, उसके बाद 2020 में कंपनी को लॉस हुआ 3,500 करोड़ का, और 2021 में अभी कंपनी प्रॉफिट में दिख रही है 3,366 करोड़ का। मतलब कंपनी का जो है बैलेंस शीट नेट प्रॉफिट बहुत ही ख़राब दिख रहा है। 2020 में लगभग थोड़ा कम लॉस हुआ था, उसके बाद 2021 में तो कंपनी बहुत सारी कंपनी के कोरोना की वजह से बैंड ही बजे थे, बहुत ज़्यादा लॉस हुआ, उसके बाद अभी थोड़ा बहुत प्रॉफिट में आ गए। मतलब कंपनी अभी तो फिलहाल ग्रोथ कर रही है, लेकिन अभी आगे जाके 3-4 क्वार्टर देखना पड़ेगा या कंपनी अपने प्रॉफिट को ऐसा सस्टेन कर पा रही है, क्या नेट प्रॉफिट जनरेट कर पा रही कि नहीं। ये तो हो गया बैलेंस शीट के बारे में। तो चले देख लेते हैं एग्जैक्टली कंपनी का जो कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं जेपी पावर के अलग अलग बिजनेस है यहाँ पे दिखा है, जैसे कि यहाँ पे इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, सीमेंट, पावर, रियल एस्टेट, ऐसे अलग अलग बिजनेसेस है। लेकिन इनका जो मेन बिजनेस है कोल माइनिंग या फिर अलग अलग जो बिजनेस रहते हैं कि पावर सेक्टर्स के, वहाँ से आते हैं। तो इसके जो कॉम्पिटिटर है वो बहुत ही आगे निकल चुके हैं, जैसे कि टाटा पावर है, दूसरा ओरिएंट ग्रीन पावर है, ऊर्जा ग्लोबल, ऐसे अलग अलग जो कंपनी है उस कंपनी ने अभी तक वहाँ पे काम चालू किया है, फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस चालू किया है। लेकिन जेपी पावर का अभी तक ऐसा नहीं दिख रहा है, वही अपने पुराने बिजनेस से कंटिन्यू करते हुए दिख रहे हैं जेपी पावर। इसकी वजह से उनका रेवेन्यू ज़्यादा आ नहीं रहा है उस बिजनेस से। तो अपने को सोचना पड़ेगा कि एग्जैक्टली स्टॉक में इन्वेस्ट करना है कि नहीं करना है। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म का सोच रहे हैं जैसे कि 10 साल 15 साल के बाद का, तो जो है जेपी पावर उतना कुछ खास नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि इसके जो कॉम्पिटिटर है बहुत ही आगे निकल चुके, जैसे कि टाटा पावर है, उन्होंने अभी तक फ्यूचर ओरिएंटेड काम भी चालू कर दिया है। और जो दूसरी बात है, यहाँ पे उसका जो लॉन्ग टर्म का चार्ट पैटर्न दे सकते हैं, मतलब एक ज़माने में स्टॉक लगभग 150 रुपये के आसपास था, अभी तक ये स्टॉक नीचे गिर चुका है। मतलब सोच सकते हैं बहुत ही इसका चार्ट पैटर्न भी बहुत ही निगेटिव है। तो अगर इसमें पैसा लगाना है, देखिए शॉर्ट टर्म में कुछ भी हो सकता है, अगर 1 साल के रिटर्न चेक करेंगे तो लगभग 3.32% है। मतलब 1 लाख भी लगाए रहते तो लगभग आप भी उसके 2.5 लाख के आसपास चले गए होते। मतलब शॉर्ट टर्म में स्टॉक मार्केट में कुछ हो सकता है, स्टॉक नीचे गिर सकता है, ऊपर जा सकता है, लेकिन आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो आपको सोचना पड़ेगा कितना अमाउंट इस स्टॉक में लगाना है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा बहुत ही अमाउंट इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि 500 रुपये, 1,000 रुपये लगा के चेक कर सकते हैं अगर आपकी किस्मत चलती है कि नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं।